हाय फ्रेंड्स, सुप्रभातम। आज हम पुनः अपने उस बिंदु को आगे बढ़ाते हुए, संधि प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए, हमने पढ़ी थी यण संधि। स्वर संधि का भेद चल रहा था हमारा, यण संधि। यण की बात पढ़ते हैं हम, अयादि संधि। अयादि संधि, अयादि संधि। हमने स्वर का भेद पढ़ा यण, यण के बाद हम पहुँचे अयादि संधि। सूत्र है दोस्तों, एचो आया वाया वह, एचो आया वाया वह, एचो आया वाया वह। ये सूत्र कहता है कि एच एक प्रत्याहार का नाम है। एच एच प्रत्याहार के बाद किसी भी स्वर वर्ण के आने पर, एच प्रत्याहार के बाद किसी भी स्वर वर्ण के आने पर, एच के स्थान पर आय आव आय आव आदेश हो जाता है। हमारा ये सूत्र कहता है कि एच प्रत्याहार के बाद किसी भी स्वर वर्ण के आने पर, देखो छात्रों, एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ए ओ आई औ, ए ओ आई औ के बाद किसी भी स्वर वर्ण के आने पर, ए को आय, ओ को अव, आई को आय, औ को आव आदेश हो जाता है। ये हमारा पाणिनी सूत्र कहता है। अयादि संधि के अंतर्गत एच प्रत्याहार, एच प्रत्याहार का तात्पर्य होता है ए ओ आई औ के बाद किसी भी स्वर वर्ण के आने पर, ए को आय, ओ को अव, आई को आय और औ को आव आदेश हो जाता है। ये हमारी यण संधि कहती है छात्रों। यथा, जैसे हम उदाहरण पढ़ेंगे, यथा हरे प्लस ए, हरे प्लस ए, हरे में ए है, हर ए प्लस ए, देखो ए के बाद भी स्वर है, इसलिए ए का क्या होता है छात्रों, अय, और अय में ए इस र में जुड़ जाता है और ये में एक ही मात्रा लगती है और बनता है हरे। हरे प्लस ए बराबर हरे, हरे प्लस ए बराबर हरे। उसी प्रकार से नायक बराबर नई प्लस अकह, देखो छात्रों, नई प्लस अकह, नई में ऐ की मात्रा है और उसके बाद ए है। मैंने कहा था कि ए ओ आई के आई औ के बाद किसी भी स्वर वर्ण के आने पर एच प्रत्याहार को यथाक्रम आय अव आय आव आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर इसका हम पद विच्छेद करेंगे, ने प्लस आई प्लस अक है, तो छात्रों आई को हम किसमें बदलते हैं, आई को बदलते हैं हम आय में, और अक अक है, आ का मिलन किस में हुआ, न में, अर्थात आ की मात्रा को हमने न में जोड़ा, ना यह आधा था, यह में ए जुड़ गया, यह पूरा हुआ और शब्द बना हमारा नायक है। क्या बना छात्रों, नायक। ये लघु उदाहरण फिक्स ही हैं जो आपको आते रहते हैं, नायक, ठीक है। उसी प्रकार से छात्रों आगे चलते हैं हम एक उदाहरण की ओर, जैसे
पौ प्लस अक है, उदाहरण है पौ प्लस अक है। पौ प्लस अक है में देखो प प्लस प, प के बाद निकला औ प्लस अक है, तोड़ दिया। अब देखो यहाँ प के बाद औ है और औ के बाद स्वर है, इसलिए औ को हमने बदल दिया आव में और प में ए जुड़ा पा, ब ब में ए जुड़ा वह पूरा हुआ और बना पावक है। पौ प्लस अक है बराबर पावक है, नायक है, गायक है, ठीक है। गई प्लस अक है बराबर गायक है, इसी का उदाहरण है, ठीक है ना। नायक, गायक, पावक, ठीक है, वो उदाहरण किसके हैं, अयादि संधि के उदाहरण हैं। उसी प्रकार से और भी उदाहरण हम देख सकते हैं छात्रों, जैसे आता रहता है पौ, पो प्लस अनम, भो प्लस अनम, ने प्लस अनम। देखो छात्रों, पो प्लस अनम प में ओ की मात्रा है, थोड़ा हमने इसको प ओ प्लस अनम, ओ को हमने किस में बदला, अव में बदला। ओ को हम किस में बदलते हैं, अव में। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ए ओ आई औ, ए को आया में, ओ को अव में, आई को आय में और औ को आव में बदला जाता है। तो हमने अव में बदला। अब इस छात्रों ए को प में जोड़ा तो प पूरा हुआ, ब में इस ए को जोड़ा तो ये पूरा हुआ, पवनम। क्या बन गया, पवनम। इस प्रकार से हमारी सिद्धि हुई पवनम। उसी प्रकार से भवनम, भय तोड़ो भय ओ प्लस अनम, ओ को हमने किस में बदला, अव। अब ए भय में जुड़ा तो भय पूरा हुआ, ये भय, भय में ए जुड़ा तो ये पूरा हुआ, भाव नम। उसी प्रकार से दोस्तों ने प्लस अनम तोड़ते हैं, ने ए प्लस अनम, ए को हुआ आया और ने में ये जुड़ गया ए, ने पूरा हुआ या न या नाम, इसमें ये जुड़ गया नयम, ठीक है। इसी प्रकार से हमारी अयादि संधि होती है, कभी हरे, कभी सॉरी हरे, कभी प्लस ए बराबर कभी, ऐसे ही उदाहरण हैं। कभी प्लस ए, देखो क व ए प्लस ए, ए को बदला आयाम, ए को वह में जोड़ा क व या ए, कभी। कभी प्लस ए बराबर कभी। इस प्रकार से हमारी कौन सी संधि हुई, अयादि स्वर संधि। सूत्र छात्रों जरूर याद रखना है, क्योंकि आपसे पेपर में जो पूछेगा वो पेपर में पूछेगा कि अधोलिखित उदाहरण सूत्र माध्यमेन संधि कुरुत, या नीचे लिखे उदाहरण को सूत्र के माध्यम से पूरा करो। कह सकता है कि नीचे लिखे उदाहरण में कौन सी संधि किस सूत्र के माध्यम से हुई है। तो मान लो इनमें से कोई उदाहरण हमें आता है तो हम लिखेंगे, जैसे प पावक आ जाए तो पौ प्लस अक बराबर पावक है, और सूत्र का नाम लिखेंगे एचो आया वा या वह। ये हमारी हुई अयादि संधि। कौन सी बेटा, अयादि संधि। आगे बढ़ते हैं अब हम,
अगला भेद है हमारा अयादि के बाद अगला है हमारा है दीर्घ संधि दीर्घ स्वर संधि, क्योंकि दीर्घ स्वर संधि को आपकी किताब में बहुत बार दर्शाया गया है तो पूछ सकता है उदाहरण यहाँ से दीर्घ स्वर संधि सूत्र दीर्घ होता है बड़ा, दीर्घ स्वर संधि यानी बड़ा स्वर के साथ परिवर्तन करके जुड़ना दीर्घ स्वर संधि कहलाता है। सूत्र है अकह सवर्णे दीर्घ, सूत्र लिखा पाणिनि जी ने लिखा कि अकह सवर्णे दीर्घ, ये सूत्र कहता है छात्रों कि अक प्रत्याहार के बाद, देखो बेटा अक अक एक प्रत्याहार है, अक ए ई उ री ली ये पांच वर्ण अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, तो अक है सवर्णे दीर्घ, तो अक प्रत्याहार के बाद किसके बाद बेटा अक प्रत्याहार के बाद, अब ध्यान रखना अक में तो पांच वर्ण आते हैं लेकिन दीर्घ का जो रूप होता है वो चार का ही प्राप्त होता है, लिरी का कोई बड़ा रूप प्राप्त नहीं होता है, इसलिए कहा कि अक है अक प्रत्याहार के बाद समान स्वर वर्ण के आने पर, कहा कि अक प्रत्याहार ए ई उ री ली के बाद समान वर्ण के आने पर समान स्वर के आने पर अक के स्थान पर दीर्घ एकादेश हो जाता है, क्या होता है छात्रों दीर्घ एकादेश हो जाता है, अक है सवर्णे दीर्घ, तीनों शब्द स्पष्ट हैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अक अक में आते हैं पांच वर्ण ए ई उ री ली, लेकिन लिरी को हटा दिया गया है क्योंकि लिरी का कोई बड़ा रूप प्राप्त नहीं होता है, केवल चार ही वर्ण ऐसे हैं जिनका बड़ा रूप प्राप्त होता है, तो अक है सवर्णे दीर्घ अक प्रत्याहार के बाद ए ई उ री के बाद सवर्णे समान वर्ण के आने पर समान स्वर के आने पर दीर्घ एकादेश स्यात् दीर्घ एकादेश हो जाता है, ये हमारी दीर्घ संधि कहती है। जैसे कमल प्लस आसनम, देखो छात्रों कमल में है और यहाँ आ है, दोनों मिलकर के क्या हो जाते हैं आ और बना कमलासनम, कमल प्लस आसनम बराबर कमलासनम, उसी प्रकार से विद्या प्लस आसनम बराबर वही यहाँ पर आ है और यहाँ भी आ है, दोनों मिलकर के बड़ा हुआ और बना विद्या सहनम, विद्या प्लस आसनम बराबर विद्यासनम हुआ। जैसे ए इसको थोड़ा विस्तार से मैं लिख सकता हूँ और ऐसे भी आप पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार से दीर्घ एकादेश होता है, मैं एक चार्ट बना देता हूँ आपको कि समान वर्ण के आने पर, तो इधर देखो इधर ए या आ कौमा ई या बड़ी ई कौमा उ या बड़ा उ कौमा री या बड़ी री के बाद
समान, समान का मतलब होता है ए या आ, ई या बड़ी ई, ऊ या बड़ा ऊ और री या बड़ा री। देखो धन का चिन्ह है कि धन के चिन्ह से पहले और धन के चिन्ह के बाद यदि समान आते हैं तो मैं आपको एक डायग्राम बना के समझाता हूँ कि इधर ए या आ जाए और इधर भी ए या आ जाए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है आ। देखो छात्रों दोनों के स्थान में क्या होता है आ, उसी प्रकार से यहाँ ई और इधर भी ई, दोनों के स्थान पर बड़ी ई, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी। अगला है इधर ऊ, छोटा या बड़ा ऊ, और यहाँ भी छोटा या बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ हो जाता है। छात्रों यहाँ री और यहाँ भी री, तो यहाँ कौन सी हो जाती है, बड़ी री हो जाती है। वरना ए के बाद ए आए, देखो कितनी स्थिति हुई है, ए के बाद ए आए तो भी आ होगा। यहाँ एक एक वर्ण की चार स्थितियाँ होती हैं। देखो ए प्लस ए बराबर आ, उसी प्रकार से आ प्लस ए बराबर आ, इसी प्रकार से ए प्लस आ बराबर आ, और आ प्लस आ बराबर आ, कितनी स्थितियाँ हुई, चार। तो चार स्थितियों के आने पर एक वर्ण के साथ चार स्थितियाँ आएंगी, तो प्रत्येक चारों वर्णों के साथ यही स्थिति आने पर दीर्घ एकादेश हो जाता है। जैसे और बहुत सारे धर्म पढ़ेंगे अब, देवात्मा, देव प्लस आत्मा बराबर, अब देव में क्या है ए, इधर क्या है आ, दोनों मिलके आ और बन गया देवात्मा। देव प्लस आत्मा बराबर देवात्मा। उसी प्रकार से हमने ए के बहुत सारे उदाहरण पढ़े। देखो इस डायग्राम को ध्यान रखना छात्रों कि ये स्थिति होती है ए या आ के बाद ए या आ के आने पर आ, ई या ई के बाद ई या ई के आने पर बड़ी ई, ऊ या ऊ के बाद ऊ या ऊ के आने पर बड़ा ऊ, री या री के बाद री या री के आने पर बड़ी री हो जाता है। यथा जैसे उदाहरण हम पढ़ते गए, जैसे श्री सह। देखो छात्रों ये उदाहरण काफ़ी चर्चित है, श्री प्लस ई सह। एक उदाहरण है मुनि प्लस इंद्र, कपि प्लस ईसह। इसी प्रकार से गिरी प्लस ईसह, हरि प्लस इंद्र, बहुत सारे उदाहरण हैं, गिरीस हरीस, मति प्लस ईस मतीसह, ठीक है ना, सती प्लस ईस बराबर सतीसह, गति प्लस ईस बराबर गतिसह, बहुत से उदाहरण हैं। इनको करते हैं हम, जैसे श्री इसमें स बड़ी प्लस बड़ी सह, इन दोनों के स्थान पर बड़ी ई हुई और हमारा रूप बना श्री सह। उसी प्रकार से मुनीसा मुन ई छोटी और इंद्र। अब देखो यहाँ आपने देखा कि दोनों ई बड़ी थी तो भी बड़ी हो गई, अब यहाँ दोनों छोटी हैं तो भी कौन सी होगी, बड़ी, तो इन दोनों के स्थान पर बड़ी ई होगी और रूप बनेगा मुनीन्द्र। यहाँ देखो कपि प्लस ईसा, यहाँ छात्रों एक छोटी है और एक बड़ी है, स्थिति वही है ना, दोनों एक छोटी है और एक बड़ी है, तो दोनों को मिला करके बड़ी ही होती है, तो बना कपीसह, बन गया।
कपी प्लस ईस बराबर कपी स हो गया। इस प्रकार से ई के उदाहरण हुए, ए के उदाहरण पढ़े हमने, ई के उदाहरण पढ़े, आप पढ़ते हैं ऊ के उदाहरण। देखो छात्रों, ए के उदाहरण हमने पढ़े, ऊ के ई के उदाहरण पढ़े, अब पढ़ेंगे हम ऊ के उदाहरण। जैसे भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय, गुरु प्लस उपदेशः, गुरु प्लस उपदेशः, भानु प्लस ऊष्मा। देखो छात्रों, अलग अलग उदाहरण हैं, भानु प्लस उदय, इसमें ये छोटा हु और यहाँ भी छोटा हु, दोनों मिलकर के बड़ा हुआ और हमारा शब्द सिद्ध हुआ भानुदय। भानु प्लस उदय बराबर भानुदय। छात्रों, दीर्घ होता है बड़ा, बड़ा आनंद आता है दीर्घ करने में, तो गुरु प्लस उपदेश, तो यहाँ पर ऊ और यहाँ भी क्या है ऊ, छोटा गुरु और यहाँ पर बड़ा, छोटा और बड़ा मिलकर के बड़ा हो जाएगा और होगा गुरुप देश, गुरु प्लस उपदेश बराबर गुरुप देश। उसी प्रकार से यहाँ ऊ और यहाँ बड़ा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ और रूप बना भानुष्मा, भानु प्लस ऊष्मा बराबर भानुष्मा हो गए। उपदान भानु प्लस ऊष्मा भानुष्मा, भानु प्लस उपदेश भानु उपदेश, गुरु प्लस उपदेश बराबर उपदेश, भानु प्लस उदय बराबर भानुदय। ठीक है, उसी प्रकार से हम चलते हैं उ के बाद री के उदाहरणों की ओर। छात्रों ध्यान दे जाएं, पढ़ी हुई चीज़ है इसलिए थोड़ा सा रफ्तार से हम चल रहे हैं, क्योंकि संधियां आप छठी क्लास से ही पढ़ते आते हैं। थोड़ा सा नया परिवर्तन है वो यही है कि यहाँ केवल ये सूत्र लिखना है हमको। जैसे हमें दे दिया ये री का उदाहरण, जैसे पितृ प्लस ऋचा ऋण, पितृ प्लस ऋण, ये हमको संधि दी, कहा कि संधि करके सूत्र नाम उल्लेखम कुरुत, तो सूत्र के नाम का उल्लेख हम कैसे करेंगे। यहाँ पर री और यहाँ भी री, सवर्ण दीर्घ हुआ तो हम सूत्र लेंगे अकह सवर्णे दीर्घ। और पेपर में आपको थोड़ा सा ही काम करना है, उदाहरण के लिए हम मान लें कि ये उदाहरण आया है हमें पितृ प्लस ऋण, तो छात्रों आपका काम होगा यहाँ पर है री और यहाँ भी री, दोनों मिलाकर के बड़ी री हो जाएंगे और बनेगा पितृण, क्या बनेगा पितृण, और ये करके आपको नाम लिखना है आक है सवर्ण दीर्घ, आपका एक नंबर बिल्कुल पक्का हो जाए। पितृ प्लस ऋण बराबर पितृण, उसी प्रकार से मातृ प्लस ऋचा। देखो छात्रों, यहाँ भाई री है और यहाँ भी क्या है छात्रों री, दोनों मिलकर के क्या बनेंगी बड़ी री, बाकी बचा यहाँ पर माँ और दोनों मिलकर के तय में लग जाएगी बड़ी री की मात्रा मातृचा, मातृ प्लस ऋचा बराबर मातृचा। होत्री प्लस ऋकार है, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है छात्रों, होत्री प्लस ऋकार है। देखो अगर दीर्घ संधि का उदाहरण आता है तो ज़्यादातर महत्वपूर्ण ये होता है कि होत्री प्लस ऋकार है, तो यहाँ पर री और यहाँ भी री, दोनों मिलकर के और क्या बनाते हैं भाई बड़ी री, और सूत्र सिद्ध होता है होत्री कार है, होत्री प्लस री कार है बराबर होत्री कार। छात्रों ये री के उदाहरण हुए, होत्री कार है बराबर होत्री प्लस री कार है, ये किसके उदाहरण हुए, किसके हुए बेटा री के। तो हमने उदाहरण पढ़े ए के ई के ऊ के री के, अब
कुछ बच्चे कहते हैं सर जी अक में तो लिरी भी आता है लेकिन लिरी का दीर्घ रूप नहीं होता है, लिरी में दीर्घ संधि नहीं होती है। क्यों नहीं होती है लिरी में दीर्घ संधि? क्योंकि लिरी का कोई बड़ा रूप नहीं होता है। बड़ा रूप केवल किसका होता है? ए ई ऊ और री, इनका ही बड़ा रूप होता है। इसलिए दीर्घ संधि केवल चार शब्दों के चार वर्णों के मध्य होती है, ए ई ऊ और री। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं हम। अगली है हमारी संधि वृद्धि संधि। कौन सी छात्रों? वृद्धि संधि। अगली हमारी संधि है वृद्धि संधि। देखो वृद्धि संधि में वैसे कई सूत्र काम आते हैं लेकिन महत्वपूर्ण सूत्र है हमारा दो हैं। एक तो है वृद्धि रा दैच्यो, एक सूत्र। दूसरा है वृद्धि रेचि। देखो छात्रों, वृद्धि संधि के लिए दो सूत्र काम आते हैं, वो कौन कौन से हैं? एक तो है वृद्धि रा दैच और एक है वृद्धि रेचि। देखो यहाँ पर एक संज्ञा होती है। क्या होती है? एक संज्ञा होती है और वो संज्ञा कौन सी होती है कि वृद्धि राधैच और वृद्धि रेचि। वृद्धि राधैच ये सूत्र संज्ञा विधायक है, संज्ञा विधायक। कैसा सूत्र है छात्रों? ये वृद्धि राधैच संज्ञा विधायक सूत्र है, अर्थात ये सूत्र तो संज्ञा उपस्थित करता है। जैसे मैंने आपको समझाया कि सूत्र जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, और सूत्रों में जैसे संज्ञा विधायक सूत्र, विधि सूत्र, नियम सूत्र, ठीक है ना, अनुशासन सूत्र, इस प्रकार से वार्तिक सूत्र और पाणिनि के द्वारा बनाए हुए सूत्र। तो यहाँ पर कहा कि वृद्धि रा दैच ये सूत्र संज्ञा विधायक है। कैसा है? संज्ञा विधायक। संज्ञा का तात्पर्य मैं आपको समझा देता हूँ कि कोई भी काम होता है उससे पहले ही वहाँ पर संज्ञा की स्थिति तैयार की जाती है। जैसे मान लीजिए हम कक्षा में आए और कक्षा में आने से पहले हमारा काम क्या होता है कि हमें कक्षा में पहले से ही दरी पट्टी बिछी हुई मिलती है, लाइट जली हुई मिलती है, पंखा चला हुआ मिलता है और आकर के हम आराम से बैठ जाते हैं। तो हमारे आने से पहले जो तैयारी हुई वो एक क्या थी? संज्ञा थी। क्या थी? एक संज्ञा। उसी प्रकार से पहले हम संज्ञा करते हैं, क्या करते हैं? पहले संज्ञा करते हैं कि ये संज्ञा हुई यहाँ पर। तो वृद्धि रा दैच एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र में एक नया प्रश्न आपको बता देता हूँ कि पाणिनि जी ने जो अष्टाध्याय की रचना की उसका व्याकरण सिद्धांत की से बड़ा एक ग्रंथ होता है अष्टाध्यायी, उसका पहला जो सूत्र है वो पहला सूत्र कौन सा है? वृद्धि रा दैच है। छात्रों ध्यान रखना, संस्कृत का एक बहुत अच्छा प्रश्न है कि अष्टाध्यायी का पहला सूत्र कौन सा है? वृद्धि रा दैच। अष्टाध्यायी के पहले अध्याय का पहला सूत्र कौन सा है? वृद्धि रा दैच। तो यहाँ पर वृद्धि रा दैच से संज्ञा हुई और ये हमारा नियम सूत्र है या विधि सूत्र है, इसके द्वारा नियम लागू होता है। तो संज्ञा विधायक है कि अब ये संज्ञा विधायक क्या कहता है कि वृद्धि आत ऐच, कि आत और ऐच यानी ए या आ, वृद्धि आत ऐच ए और आ की ए और आई, वृद्धि राद ऐच होता है कि ए या आ की आई और औ
वृद्धि संज्ञा होती है, संज्ञा होती है। यह सूत्र कहता है कि आत यानी ए या आ की ए औ के रूप में वृद्धि संज्ञा होती है। ये हमारा सूत्र इस बात को स्पष्ट करता है, कहता है कि ए या आ की ए और औ के रूप में वृद्धि संज्ञा होती है। ये इसने कहा तो इसने अपना नियम लागू कर दिया। और इसने क्या कहा बेटा, इसने कहा वृद्धिरेचि सूत्र कहता है ए या आ के बाद, ये सूत्र संज्ञा विधायक है, संज्ञा विधायक है। और ये सूत्र है विधि सूत्र, ये सूत्र कहता है कि ए या आ के बाद, के बाद ए ओ के आने पर, के आने पर वृद्धि एकादेश हो जाता है। ये सूत्र कहता है हमारा कि ए या के बाद ए ओ के आने पर वृद्धि एकादेश हो जाता है, यानी दोनों के वृद्धि एक एकादेश, एकादेश होता है दोनों को हटाओ एक को लगाओ एकादेश। देखो छात्रों एक कुछ शब्द हमारे लिए बार बार आएंगे, बार बार संधियों में प्रयुक्त होंगे, जैसे एकादेश स्थान आदेश। एकादेश का मतलब होता है कि दो को हटाओ एक को लगाओ एकादेश, और स्थान आदेश एक को हटाओ एक को लगाओ, दो को हटाओ दो लगाओ स्थान आदेश यथा स्थान। तो एक आदेश हो जाता है, यहाँ पर होता है एकादेश, यण संधि में होता है स्थान आदेश। तो यहाँ कहा कि ए या के बाद ए ओ के आने पर वृद्धि एकादेश हो जाता है, ठीक है। जैसे एक प्लस एक, देखो छात्रों एक प्लस एक, तो यहाँ पर एक में से हमने ए निकाला और यहाँ एक, अब आपके लिए स्थिति आ गई ए और ए, तो दोनों के स्थान पर क्या होगा आई, और हमारा रूप सिद्ध होगा एक आई कहा, एक प्लस एक बराबर ए कई का, क्योंकि यहाँ पर ए है और यहाँ पर क्या है भाई ए, और दोनों मिलकर क्या बन गया ए कई का। हुई कि नहीं हुई वृद्धि बताओ, हुई ना। जैसे वन प्लस औषधि, वन प्लस औषधि, यहाँ पर देखो वन में ए है प्लस औषधि, अब यहाँ पर ए और ओ मिलकर के हुआ औ और रूप बना वन औषधि, वन प्लस औषधि बराबर वन औषधि। ऐसे ही तथा प्लस एव, देखो त थ आ प्लस एव, आ और ए आई हुआ और रूप बना तथैव। छात्रों इस प्रकार से तथैव सदैव, ठीक है ना, उसी प्रकार से हम अनेक सारे उदाहरण बना सकते हैं। एक ये भी कई बार आ जाता है जैसे मया प्लस ए तत्, अच्छा महत्वपूर्ण उदाहरण है, मैं या ये में आ निकालो और ए तत् करो, ये उदाहरण कई बार आता है, आ चुका है, मैं यही त मई तत्, कौन सी संधि होगी वृद्धि, सूत्र का क्या नाम लिखेंगे वृद्धि रे छी, ठीक है छात्रों। ये हमारी हुई वृद्धि संधि। अब हम कल अगले इसी बिंदु को आगे बढ़ाते हुए आपके सामने उपस्थित होंगे, इसलिए कल तक के लिए आपको धन्यवाद।